घमंडी सौतेली माँ। शिवपुर नाम के गांव में कृष्णया नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पहले पत्नी का देहांत हो गया तो उसने शोभा नाम की औरत से दूसरी शादी रचाई। पहली पत्नी की बेटी थी मीना और दूसरे पत्नी का बेटा था टिल्लू। शोभा मीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो घर का सारा काम मीना से कराती थी। वो मीना से काम तो खूब कराती थी लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खिलाती थी। लेकिन अपने पति के सामने यूं जताती मानो वो मीना पर जान छिड़कती हो। महीने में 20 दिन कृष्णया दूसरे राज्यों में जाकर काम करता था, इसीलिए उसे घर में क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। मीना सिम्बा नाम के एक कुत्ते को पाल रही थी। उसे वो खुद ही खाना खिलाती थी। शोभा का भाई कन्ना उन्हीं के घर में रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो अपने बहन को सलाह देता रहता था। एक दिन शोभा अपने बेटे टिल्लू को 10 किस्म के व्यंजन बनाकर खिला रही थी, तभी गाय के दूध दोहकर मीना वहां पहुंची। अपने सामने 10 किस्म के व्यंजन देखकर मीना को भूख लगने लगी। शोभा टिल्लू को खाना खिला रही थी। खाओ बेटा, मेरा लाडला बेटा, ये एक निवाला खा लो। देखो तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और कितने दुबले हो गए हो। मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे व्यंजन बनाए हैं ना बेटा, अब तुम नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? खाओ बेटा। नहीं माँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट भर चुका है माँ, और वैसे भी मैं दुबला नहीं हूँ माँ। मेरे दोस्त मुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते रहते हैं। बस करो माँ, मैं और नहीं खा सकता। मीना उन व्यंजनों की ओर बड़ी लालच भरी नजरों से देखते हुए, माँ मैंने सवेरे ही बर्तन मांझ दिए, घर की सफाई भी कर दी माँ, कपड़े धो दिए, दूध भी तैयार है। मैं बहुत थक गई हूँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, क्या मुझे खाना खिलाओगी? तब शोभा ने एक प्लेट में एक रोटी और थोड़ा सा अचार डालकर दिया। माँ एक रोटी से मेरा क्या होगा, मुझे एक और रोटी दो ना। ये सुनकर शोभा का भाई कन्ना, क्यों रे तू डिमांड करती है, हैं? डिमांड? हम तुम्हें जो देते हैं बस उतना ही खाना होगा। देखा दीदी कैसे डिमांड करती है, हैं? अगर बाहर के लोगों ने सुना तो वो ये सोचेंगे कि सौतेली माँ इसको खिला नहीं रही है खाना और तुम्हें गालियाँ देंगे। क्या तुम्हें एक और रोटी चाहिए? हाँ बहुत खूब, उनकी सारी कमाई तुम्हें खिलाने में खर्च हो जाएगा। वैसे भी बिना कोई काम किए खाली बैठे रहोगे तो तुम्हें भूख तो लगेगी ही। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। मीना दुखी होकर बाहर चली गई। अपने रोटी में से आधा रोटी उसने सिम्बा को दिया। बहुत मेहनत करके काम करती थी तो मीना के हाथ में छाले पड़ने लगे। अचार को छूते ही उसके हाथ में जलन होने लगी, लेकिन मारे भूख के उसने उस अचार के साथ रोटी खा लिया। एक दिन कन्ना फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्यों रे सब तैयार है ना, मैं आज रात उनके खाने में जहर मिला दूंगा। तुम पुलिस से बात कर लो और कोई केस ना बने इसका ख्याल रखो। और रही बात मेरे जीजाजी की, अरे जब वो शहर से लौटेंगे रास्ते में उनका एक्सीडेंट करा देंगे, बस अपना काम हो जाएगा, फिर ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर मीना घबरा गई। रात को जब वो सब खा रहे थे तब मीना वहाँ पहुँची। माँ आप लोग वो खाना ना खाओ, उसमें आपके भाई ने जहर मिलाया है। तभी कन्ना वहाँ पहुँचा। देखा दीदी, उसको खाना नहीं खिलाया तो कितना झूठ बोल रही है, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? बोलो। क्यों री मेरे भाई पर इल्जाम लगाती हो, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो बताओ माँ कि हर रोज जो आपका भाई आपके साथ खाना खाता था आज क्यों नहीं खा रहा है आपके साथ? ए क्या बकवास कर रही है, आज मेरा व्रत है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं आज के दिन नहीं खाना खाता? अरे भैया ये व्रत व्रत छोड़ दो, चलो खाना खाओ। अगर ये पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो मैं उसका खाल उधेड़ दूंगी। ना दीदी मैं नहीं खाऊंगा, अब मुझे छोड़ दो। तब शोभा को कन्ना पर शक होता है। ए मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि खाना खाओ तो खाओ। तब कन्ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी कुत्ता सिम्बा उसके टांग पकड़ कर काटने लगता है। कन्ना जमीन पर गिर जाता है।
शोभा, मीना और टिल्लू तीनों मिलकर कन्ना को खूब मारते हैं। पुलिस को फोन करके उसे पुलिस को सौंप देते हैं। मुझे माफ कर दो बेटे, इतने दिन मैं तुम पर बहुत जुल्म उठाती रही, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों की जान बचाई है। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगी। उस दिन से शोभा टिल्लू के साथ साथ मीना को भी स्कूल भेजने लगी। मीना को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी।